हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद देव। स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में या आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं किसको, भौतिक विज्ञान का 8 सेकंड क्लास अपनी रहेगी। इस क्लास में अपन सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। आज अपन पढ़ेंगे गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग। गॉस का नियम और इसके अनुप्रयोग अपन पढ़ने वाले हैं। आरएचएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ एम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। किसके लिए भी? एम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज अपन शुरुआत करेंगे किसकी? इस टॉपिक की, ठीक है। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम में इजी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस कंसीडर करने वाला जो टॉपिक आपका रहता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि जो चैप्टर है अपना वो बहुत ही ज्यादा आपका टॉपिक कंसीडर कर रहा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से कवर किए जाएंगे इस बार, ठीक है। ये बात आप अवश्य ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चंस हर बार ज्यादा आते। लास्ट ईयर भी स्टार्टिंग के 5 से 7 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करने से पहले एक कल की कुछ गड़बड़ रह गई थी, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र वाला टॉपिक जो रहा था, विद्युत क्षेत्र में कुछ लफड़ा हो गया था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। विद्युत क्षेत्र एवं तीव्रता जो था, इसमें मात्रक में 2 बार मैंने कंफ्यूजन के लिए आपको लिए 2 बार गलत चीज बता दी। एक बार सही बताया था स्टार्टिंग में, लेकिन सेकंड टाइम उसको मैंने गलत करवा दिया, वो मेरी गलती है। लेकिन मैं उसको बताता हूँ क्या था। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, मात्रक का रिलेटेड लफड़ा था। तो मात्रक एक तो होता है न्यूटन अपॉन कूलम्ब। दूसरा मात्रक मैंने बताया था एक बार में, तो वोल्ट अपॉन मीटर बता दिया, लेकिन इसको फिर वापस चेंज करके मैंने क्या बता दिया था लास्ट में, क्लास के लास्ट में ये बता दिया था कि वी मीटर। तो ये नहीं होगा, ये गलत है, इसका यही राइट होगा, वोल्ट अपॉन मीटर होता है। क्यों, ये क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप जान सकते हो। वी इज इक्वल टू क्या होता है, ER होता है, ठीक है। ER किसके इक्वल टू था, वी इज इक्वल टू ER होता है, विभव इज इक्वल टू ई इंटू आर, ठीक है। तो अगर यहां से E का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। V क्या है, V का होता है वोल्ट और R का होता है मीटर। तो ये आपका ये कंफ्यूजन था, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लेना। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और बता दी थी कि विद्युत क्षेत्र अदिश राशि होता है, ठीक है। ये चीज मैंने बता दी थी आपको, कल बताई थी, लेकिन अदिश नहीं, ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि होता है। क्या होता है दोस्तों, सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, ठीक है। ये सारी चीज आप नोट कर लेना, यही आपका कल की जो मिस्टेक थी वो मिस्टेक मैंने सही करवा दी। इसका जो ये होता है मात्रक, वो कितना होता है देख सकते हो आप, जो होता है मात्रक वोल्ट अपॉन मीटरिंग होगा, ठीक है, वोल्ट अपॉन आपका मात्रक होने वाला है, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। ये आपका और विमीय सूत्र वगैरह सब कुछ मैं कल डिसाइड कर चुका था, आपको बता चुका था, तो उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा, बाकी कल के सारे सही है। तो इसको मैं क्लीन करता हूं, अब आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने मॉडल पेपर नहीं ले रखे हो, मॉडल पेपर ले सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल मॉडल पेपर आपके लिए रहने वाले हैं। तो आपसे यही रहेगी गुजारिश कि आप मॉडल पेपर अवश्य लें, ठीक है, क्योंकि अवश्य है, या फिर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी आपको करवाएंगे, हम इसी चैनल पर सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कोई बड़ी ये नहीं है टेंशन। और आपको अगर ऑप्शंस गलत आ रहे हैं मॉडल पेपर में, कोई क्वेश्चन के आंसर गलत है, तो उसमें पैनिक नहीं होना, आपका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, तो अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसको मैं सॉल्यूशन के साथ सही करवा दूंगा। ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं रखनी आपको, क्योंकि आप पैनिक हो रहे हो, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है। इसलिए चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे गॉस के नियम और इसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले गॉस के नियम में आता है विद्युत फ्लक्स। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स। पहला टॉपिक अपना आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, तो इस विद्युत के फ्लक्स में हम क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम आगे आज पूरी जानकारी आपको देंगे। विद्युत फ्लक्स सदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा वही चीज बताऊंगा जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताने वाला, एक्स्ट्रा चीज डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरे को क्विक रिविजन करवाना है, तो मैं ओनली वही चीज आपको बताने वाला हूँ जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला विद्युत फ्लक्स जो होता है, ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स जो होता है आपका अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अदिश राशि होती है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत फ्लक्स को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है।
फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी एस, ये फाई इज इक्वल टू। अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा इसको लिखा जा सकता है। अब यहां पर क्या रखा जाए कि इसमें इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसी चीज से अपने लिए अपन से दो चीज पूछ सकता है कि विद्युत फ्लक्स कहां पर मैक्सिमम होगा, विद्युत फ्लक्स कहां पर मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम कहां पर होगा। तो अधिकतम एफ फाई की हम बात करें, अधिकतम फाई कहां पर होने वाला है, तो थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो है तो फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा आपका मैक्सिमम। मैक्सिमम कहां पर होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो पे होने वाला है, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। इसका मतलब फाई इज इक्वल टू ई डी एस हो जाएगा, ठीक है, अधिकतम। और सेकेंड जो स्टेप रहेगी, सेकेंड कंडीशन जो रहेगी इसकी, सेकेंड कंडीशन क्या है, न्यूनतम कहां होने वाला है, फाई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ पे क्या थीटा इज इक्वल टू अपन को ले लेना है, थीटा इज इक्वल टू 90 लेंगे तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये न्यूनतम वैल्यू होती है किसकी, विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स की न्यूनतम वैल्यू अगर आपसे पूछे तो कहां पर देखने को मिलेगी, थीटा इज इक्वल टू 90 पर विद्युत फ्लक्स की वैल्यू न्यूनतम देखने को मिलेगी, मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी थीटा इज इक्वल टू जीरो पर। कहां पर, थीटा इज इक्वल टू जीरो पर। सीधा क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कहां पर प्राप्त होता है, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके मात्रक वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, E का मात्रक आपको पता है, E का मात्रक क्या होता है, E का इसी से बना सिखा दूं मैं आपको, ताकि आपको मात्रक याद नहीं रहे तो फॉर्मूले से आप निकाल सको। E का मात्रक होता है आपको पता है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम होता है, ये तो आपने देख लिया। बट न्यूटन अपॉन कूलम होता है इसका क्या होता है, इसका होता है मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो सिंपली एक मात्रक बन जाता है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इसका मात्रक बन जाता है, जो आप देख सकते हो क्या बन जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम बन जाता है। इसका दूसरा जो मात्रक रहेगा, दूसरा मात्रक क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक आपको पता है क्या होता है, वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है, तो वोल्ट अपॉन मीटर होगा, तो मीटर स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, इसको लिखेंगे दूसरा मात्रक हो गया इसका वोल्ट मीटर, क्या हो गया, वोल्ट मीटर इसका दूसरा मात्रक हो गया, यानी इससे ये कट गया, तो सीधा मात्रक क्या आया, वोल्ट मीटर एक दूसरा मात्रक आ गया। तो विद्युत फ्लक्स के भी दो मात्रक है, विद्युत क्षेत्र के भी दो मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का दोनों मात्रक आपको पता है, एक मात्रक होता है वोल्ट अपॉन मीटर, एक होता है न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। और जो विद्युत फ्लक्स का सेकंड फर्स्ट मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम है, और ये क्या है, दूसरा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा इसका लास्ट में जो बचता है वो क्या बचता है, आपका विमीय सूत्र, विमीय सूत्र भी आप देख लो, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र जो आपका रहने वाला है, विमीय सूत्र क्या रहेगा, विमीय सूत्र होगा इसका, आप बताओ विमीय सूत्र क्या होगा। इसमें सिंपली आपको क्षेत्रफल का विमीय सूत्र जोड़ना है, बाकी वही जो आपका विद्युत क्षेत्र का है वही रहने वाला है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। M1 L3 T-3 T-3 A-1 ये किसका विमीय सूत्र होगा, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ये रहने वाला है, क्या रहने वाला है, ये आप देख सकते हो, विद्युत फ्लक्स का मात्रक विमीय सूत्र ये रहेगा, मात्रक ये रहेगा। विद्युत फ्लक्स के बारे में सारी जानकारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मान लो कभी कभी बाय चांस आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कौन सा वाला क्वेश्चन, आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है उसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत फ्लक्स घनत्व अगर आपसे पूछ ले, क्या फ्लक्स घनत्व क्या होगा, फ्लक्स घनत्व अगर फ्लक्स घनत्व आपसे पूछ ले तो क्या होता है, फ्लक्स घनत्व फाई अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि फ्लक्स विद्युत कुल फ्लक्स क्या होता है, कुल फ्लक्स अगर पूछ ले, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता लेकिन कभी पूछ ले तो ये भी ध्यान रख लेना, कुल फ्लक्स अपन को दिया रहेगा उसमें और नीचे क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। इसी से अपन क्या निकाल सकते हैं, अपना आगे का कुल विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं, इससे अपना कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया गाउस के नियम में आज अपना पहला टॉपिक विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, एक अदिश राशि होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है ई डॉट डीएस यानी ई डीएस कॉस थीटा होता है, थीटा इज इक्वल टू अगर मैक्सिमम अधिकतम कहां पे अधिकतम विद्युत फ्लक्स कहां देखने को मिलेगा, जहां थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। थीटा क्या है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र के मध्य के कोण है, अल्पांश के मध्य क्या कोण है, ठीक है। जो अल्पांश लिया अपना डीएस क्या है, अल्पांश और विद्युत क्षेत्र के मध्य ये कोण है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा और 90 होगा तो मिनिमम जीरो होगा, ठीक है। इसके अलावा इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम, और इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका विमीय सूत्र होता है m1 l3 t-3 a-1, ठीक है। इसके अलावा फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला भी अपन ने देख लिया, कुल फ्लक्स अपॉन क्षेत्रफल फ्लक्स घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों ये सब आपको क्लियर हो गया, सारी चीज आपको समझ में आ गई। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको क्लियर करता हूँ। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। चलिए इनको साफ करते हैं। अब आपको यहाँ तक का सारा क्लियर हो गया, अब इसके आगे हम देखते हैं गाउस प्रमेय क्या देखेंगे, हम गाउस प्रमेय हम आगे देखने वाले हैं। गाउस प्रमेय क्या होती है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी जरूर फीडबैक देना आपको कि ये क्लास कैसी लग रही है आपके लिए, क्या ये क्लास हेल्पफुल है या नहीं, ये बात आप जरूर हमें बताना, ठीक है। गाउस प्रमेय आपको बताएंगे, गाउस प्रमेय क्या होती है, गॉस प्रमेय किस प्रकार आपकी रहने वाली है, गॉस प्रमेय के शॉर्ट क्यू की विजन अपन जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद हम रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके अलावा आयतनीय आवेश घनत्व भी हम इसमें पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम ये क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद अगला टॉपिक अपन छेड़ेंगे जो इसी में है टॉपिक, वो आगे हम बात करेंगे, आगे डिस्कस हम करने वाले हैं। तो आप सभी को यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया, अब अपन देखते हैं गॉस प्रमेय क्या देखेंगे, गॉस प्रमेय के अनुसार कहाँ लागू होता है, गॉस प्रमेय के अनुसार केवल बंद पृष्ठों से गुजरने वाला कुल नेट आवेश एक वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि केवल गाउ, याद रखना दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गॉस का नियम कहाँ लागू होता है, केवल बंद पृष्ठों पर लागू होता है, क्या होता है लागू होता है, ठीक है। बंद पृष्ठों से गुजरने वाला कुल आवेश वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुना होता है, क्या होता है कि गुना होता है। तो आप देख सकते हो फाई इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला किसका बन जाता है, यह फॉर्मूला बन जाता है आपका गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग विद्युत फ्लक्स का, यानी कि नेट आवेश का गुना हो जाता है, यानी कि बंद पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना हो जाता है। तो यहाँ से आप इतना सा ध्यान रख लेना, बस तीन क्वेश्चन आपके सीधे सीधे हो गए कि बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, दूसरा किसका गुना होता है, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठों से गुजरने वाले कुल आवेश का क्या होता है, गुना होता है, कुल आवेश का गुना होता है। तो एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला बन जाएगा सीधा, आपको एप्सिलॉन नॉट दे दिया जाए क्योंकि वैल्यू आपको दे दी जाएगी, फ्लक्स आपसे पूछा जा सकता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 × 10⁻¹² होती है, क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। यह आपको वैल्यू भी पता होना जरूरी है क्योंकि अगर आपको वैल्यू पता नहीं होगी तो आप कहां से वैल्यू पुटअप करोगे। और इसके साथ साथ होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन वन अपॉन मीटर टू, ये आपका क्या रहने वाला, कुल इसका मात्रक रहने वाला, इसकी वैल्यू जो होती है इतनी वैल्यू होती है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है, एप्सिलॉन नॉट यानी नेता की वैल्यू इतनी होती है। तो आपको यहाँ तक सारी क्लियर हो गई होगी, ये आपका गॉस प्रमेय से रिलेटेड थी। और गॉस प्रमेय जो होता है ये किसका नियम का, कौन से नियम का पालन करता है, गॉस प्रमेय किस नियम का पालन करता है, तो गॉस प्रमेय जो होता है ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन
यानी कि जो गाउस का नियम होता है, गाउस विधि में जो होता है यह उर्वरक व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज, क्योंकि फिजिक्स में ये चीज भी आपको पढ़ने लायक है। ठीक है, तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपने अच्छे से देख भी ली होगी, नोट भी कर ली होगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब इसके बाद हम आगे क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं क्या चीज, रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम देख लेते हैं जल्दी ही, फिर इसके बाद नए टॉपिक नए देखेंगे। तो रेखीय आवेश घनत्व हम देख लेते हैं, तो रेखीय आवेश घनत्व ये आपने हटा लिया, क्लियर कर लिया, लिख लिया सबने, या स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके साथ साथ ही हमें पढ़ना है आज इसमें, इस टॉपिक में इसके साथ ही पढ़ लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व, क्या पढ़ लेंगे, क्योंकि अपन को एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी, वही चीज अपन को करनी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कोई फालतू की चीज अपन को नहीं देखनी, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही चीज अपन देखने वाले हैं। गॉस प्रीमियम अपना हो गया, गॉस प्रीमियम के बाद अपना क्या रहने वाला है, अपना आता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व क्या रहने वाला है, तो रेखीय आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से, किससे, लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। यहाँ आपको एल जो लैम्डा का मात्रक रहेगा, इसके अनुसार रेखीय आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा, मात्रक क्या रहेगा, मात्रक आप खुद बना सकते हो इस क्वेश्चन के अनुसार, ही मात्रक बन जाएगा कूलम्ब अपॉन मीटर। ठीक है, यह मात्रक हो गया किसका, रेखीय आवेश घनत्व का यह मात्रक आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखो तो किस प्रकार लिख सकते हो, कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब पावर माइनस वन, ये भी क्या इसका मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक आपके सामने हो गया, ये रेखीय आवेश घनत्व आपका कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का भी मात्रक लिखेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे, तो मैं पूरी चीज आपको नहीं हटाऊंगा, जो मेरे को हटाना है वही चीज में हटाकर छोड़ देता हूँ। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व हो गया अपना, पृष्ठ आवेश घनत्व अपन देख लेते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व की, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है वो क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू ए क्या है यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो होता है क्षेत्र पृष्ठ, मतलब पृष्ठ में क्या देखा जाता है, क्षेत्रफल, सरफेस देखा जाता है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। इसका जो मात्रक रहेगा कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर या कूलम्ब मीटर की पावर माइनस टू, यह इसका मात्रक रहने वाला है। तो आप देख सकते हो पृष्ठ आवेश घनत्व और रेखीय आवेश घनत्व आपने देख लिया, अब लास्ट में बचता है आयतनिक रेखीय आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व, तो आयतनिक आवेश घनत्व भी देख लेते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करूंगा, थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके, ताकि ज्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो और जल्दी से आपका क्लास कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्यू क्रियोजन का मतलब है कि ज्यादा टाइम नहीं लेना और सिंपल तरीके से आपकी क्लास कंप्लीट करवा देना। तो यह है आयतनिक 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 आवेश घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, रो इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा v, v को क्या बोलते हैं, v का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, तो इसका मात्रक भी क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि माइनस थ्री हो जाएगा, बस सिंपली इतना सा आपको करना है और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जो यहाँ पर रो है, रो क्या हो, ये जो यहाँ पर रो क्या है, आयतनिक आयतनिक आवेश घनत्व आपका हो जाता है। ठीक है, आयतनिक आवेश घनत्व यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ तक आपने सब कुछ देख लिया और सारा सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, इसी में टॉपिक रहने वाला है रेखीय आवेश घनत्व के कारण अनंत लंबाई के तार पर, अनंत लंबाई के तार पर विद्युत क्षेत्र, इसी के साथ साथ अचालक परत पर पढ़ेंगे और लास्ट में हम समरूप गोलों पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। चलिए ये सब आप सबने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम आगे अगले टॉपिक की ओर बात करते हैं, जो है आपका रेखीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र, या रेखीय आवेश चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है कि रेखीय आवेश के एक समान अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र। तो ये है रेखीय, बस आपको ओनली फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले का यूज बताऊंगा और सीधा आपको आगे बढ़ने के लिए बोल दूंगा। रेखीय आवेश
रेखीय आवेश के एक समान लंबाई के एक समान आवेशित एक समान समान माने एक समान आवेशित अनंत लंबाई के आवेशित अनंत लंबाई के तार के लिए विद्युत क्षेत्र यानी कि ई अपन को निकालना है। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, सिंपली अपन को फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, रेखीय आवेश, तो रेखीय आवेश यानी कि रेखीय आवेश घनत्व सिर्फ निकालेंगे तो लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले से अपन इसको निकाल सकते हैं, अपन को लैम्ब्डा की वैल्यू दे देगा और अपन से विद्युत क्षेत्र निकलवा सकता है या कुछ भी निकलवा सकता है। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज कर निकाल पाएंगे सब कुछ, ठीक है। एक इसकी वजह से होगा रेखीय आवेश के एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के लिए हो गया। अब समरूप आवेशित अचालक परत के लिए, ये तो था किसके लिए, आवेश तार के लिए था, अब अचालक परत का भी अपन देख लेते हैं। तो अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र, ठीक है, अचालक परत के लिए विद्युत क्षेत्र अपन देखेंगे। तो आप सभी को पता है परत आगे, परत का मतलब कि पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात हो गई। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अचालक परत के लिए होगा 2, ठीक है, ध्यान रखना, स्पेशली बात ध्यान रखना क्योंकि गलती इसी में हो जाती है। बस फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको, क्वेश्चन का यूज बताऊंगा, यहाँ पर आपको सिग्मा की वैल्यू दे दी जाएगी या आपको क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और आवेश दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हो, किसके लिए, अचालक परत के लिए। बाकी अगर चालक परत की हम बात करें तो चालक परत के लिए जो होगा, चालक परत के लिए क्या रहने वाला है, चालक परत के लिए आप देख सकते हो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही आपका रहेगा। सिग्मा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा की वैल्यू जो होती है क्यू अपॉन ए होती है और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए बी से लिखा जा सकता है, ठीक है, इसे लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए इसे लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से फॉर्मूले को या इसे सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी और आपको क्लियर भी होता जा रहा होगा। तो अपने सारे फ्रेंड्स में जरूर इस चीज को शेयर करना ताकि उन तक भी ये बात पहुंचे और उनको भी ये चीजें समझ में आती रहे उनको, क्योंकि फिजिक्स में जिनको भी डर है फिजिक्स का डर आपका खत्म हो जाएगा अगर आप इन चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो। तो इन चीजों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर हो गया, अब हम आगे बात करते हैं किसकी, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, हटाने के बाद हम आगे पढ़ेंगे, दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं जो अपन देख लेते हैं, बाकी उसके बाद अपने क्लास खत्म हो जाएगी। आवेशित चालक गोला और कुचालक गोले उसके बारे में हम बात करेंगे, उसके बारे में इसको खत्म कर देंगे, फिर इस नेक्स्ट टॉपिक कल होगा आपका, इसी टाइम सेम टाइम पे रहता है, मैं इसी टाइम पर नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइमिंग का अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे भी टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है, ठीक है। फिजिक्स में आपको डर अगर है तो डर को आप हटा दीजिए क्योंकि स्टडी विद देव पर आ चुका है आपके लिए जबरदस्त धमाका या जबरदस्त मौका, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप सभी ने अगर हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन क्या है समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण, समरूप आवेशित गोलीय समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र, एक मिनट, समरूप आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले पर ई, ठीक है, चालक गोले पर ई अपन को निकालना है। आज की चल रहा यार, और आप सभी ने मॉडल पेपर या कुछ भी मॉडल पेपर अगर लेना चाहते हो या आप फ्री में लेना चाहते हो तो फ्री में आप सभी को मिल सकते हैं। जल्द ही मैं इसका प्लान कर रहा हूं, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अगर
मैं आपको एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो पर आप 10,000 व्यू से भी ज्यादा क्रॉस करवाओगे तो उसी के बाद ही उसी के बाद सोचूंगा कि हाँ आपको मॉडल पेपर फ्री देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या क्यूज आपके लिए कर रखी जाए उसके आधार पर आप डिसाइड कर पाएंगे। चलिए यहाँ तक गोले कोस या चालक गोले पर विद्युत क्षेत्र ठीक है। अपन को ये तीन चीजें दे रखी है, तो इसमें आप सबसे पहले एक गोला कोस गोला बनाओ, ठीक है। ये चालक गोला है, इस पर आप देख सकते हो ये इसकी त्रिज्या ओरिजिनल त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। इस पे क्या करना है, इस पे तीन स्थिति अपन को बनानी, एक स्थिति बनेगी गोले के अंदर, एक स्थिति बनेगी गोले के बाहर। तो सबसे पहले अपन गोले के बाहर वाली बना लेते हैं, गोले के बाहर जो आप डॉट देख रहे हो, गोले के बाहर ये स्थिति आपकी बन गई है, ठीक है, देख सकते हो ये बन गई। अब इसकी जो लंबाई रहेगी, इसकी जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहने वाली, इसकी रहने वाली आर, कितनी रहेगी आर रहने वाली है। और तो अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, ई आउट ठीक है, बाहर है तो ई आउट यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि जो आपकी आर है ये छोटी है किससे, इससे, यानी कि गोले के बाहर ये फॉर्मूला यूज करना है। आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन पूछना है, बस इसमें क्वेश्चन आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, आरएचएस में घबराने की बात नहीं है, आपको सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आएगा, एम्स में यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आने वाला है, तो कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। बात करते हैं ई सरफेस की, ई सरफेस यानी कि इस जगह की जो मेन गोला है उस मेन गोले की त्रिज्या, त्रिज्या की हम बात करेंगे, इस वाले की हम बात करेंगे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर R इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब एक स्थिति और बनेगी गोले के अंदर, ये गोले के बाहर, यानी ये तो हो गया बाहर, ये हो गया सतह पर और ये अंदर एक और स्थिति बन रही है, अंदर ये वाली स्थिति बन रही है, इस पर इसकी त्रिज्या होगी R, तो इसमें क्या रहेगा, इस पर जो रहेगा ई इन, ध्यान रखना चालक गोला है, ये कौन सा चालक गोला है, गोले कोस चालक गोले पर, चालक यहाँ भी लिख लेना चालक, चालक गोले कोस की बात करें, चालक गोले कोस पर ई इन इज इक्वल टू होता है 0, सिंपली आपको याद रखना है। अब इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनने वाला है कि चालक गोले कोस के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो होता है 0। दूसरा, चालक आपको दो गोले दिए गए, दो स्थितियां दी गई है कि एक गोला है उसकी त्रिज्या इतनी इतनी है, आपको उसके गोले के सतह पर और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तुलना करो, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ ज्यादा रहेगा, तो गोले के सतह पर ज्यादा रहेगा, क्यों, क्योंकि ये अगर ये आर बढ़ता है, या अगर मतलब यहाँ का बढ़ता है तो ये क्या होता है, ये घटेगा, अगर ये घटता है तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, इस चीज से सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अपना हो गया सब कुछ क्लियर, ये अगर आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। अब चालक गोले की हम बात करते हैं, तो इसको मैं पूरा नहीं क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा आपका भी, तो इसको मैं इतना ही क्लियर करूंगा जिससे कि हमारा काम चल जाए, ठीक है, इसको मैं पूरा क्लियर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये देख लो। अब मैं बस इतना ही इसको चेंजेस करूंगा कि इसमें यहाँ बस यहाँ थोड़ा सा अचालक में जोड़ दूंगा और कुछ भी चेंजेस नहीं करना, उसके बाद अपना ये टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा, समरूप आवेशित कुचालक, आवेशित कुचालक, ठीक है, यहाँ भी कुचालक, ठीक है, समरूप आवेशित कुचालक। अब इसमें क्या चेंजेस रहेगा, गोला सेम रहेगा, क्योंकि गोला तो अपन डायग्राम बना, डायग्राम सेम रहेगा, इसमें जो रहेगा बाहरी मतलब आउट में जो रहेगा, ई आउट जो रहेगा वो कितना रहने वाला, सेम रहने वाला है, चालक गोला हो चाहे कुचालक गोला हो, उसके लिए जो विद्युत क्षेत्र रहेगा बाहर की साइड में वो क्या रहेगा, ई आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सेम कंडीशन में रहने वाला है। अगर सरफेस की बात करें, सरफेस में भी यही रहने वाला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस में रहने वाला है, लेकिन जो चेंजेस होगा, मेन चेंजेस जो होने वाला है वो अंदर होने वाला है, अंदर क्या हो जाएगा, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, ये होने वाला है, मेन चेंजेस कहाँ होने वाला है, मेन चेंजेस यहाँ होने वाला है। तो इस प्रकार आपका मेन चेंजेस आप देख सकते हो जो आपके सामने है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें रह रहा हो तो डाउट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, या हमारे डाउट वाला ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें आपका डाउट
क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आपका हर तरह से हेल्प आपकी की जाती है, आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता होगा। इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है, यहाँ 3 आई ठीक है, ये सही आपका रहने वाला है। ये क्या हो जाएगा आपका ई अंदर, बस ओनली यही चेंजेस रहने वाला, नहीं तो चालक एंड कुचालक में बाकी सब सेम है, चालक में सेम, इसके अलावा मतलब बाहरी 70 से बाहर सेम होगा। यहाँ उसमें क्या होता है, चालक में यहाँ शून्य होता है, लेकिन इसमें के कूपन आर क्यू होता है, ये इसमें चेंजेस है। बस इतना ही अपना आज का टॉपिक है, इतना ही आज की क्लासेज अपनी, ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। कौन सा वाला, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग, ये जो अपना छोटा सा टॉपिक था ये कम्प्लीट हो गया। इसके अलावा एक नोट लगा के या लिख लेना आप सभी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, संचित ऊर्जा विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा इकाई आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होती है, बस आपको इतना ध्यान रख लेना है। देख रहा होगा आप सभी को, इकाई विद्युत क्षेत्र के इकाई आयतन में संचित ऊर्जा UV अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होती है, ये विद्युत क्षेत्र की इकाई आयतन में संचित ऊर्जा होती है। इसको अगर अपन करें तो किस प्रकार कर सकते हैं, इसको आगे अपन थोड़ा सा सोल्व करेंगे, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है E स्क्वायर। अपन ऐसा फॉर्मूला देखा होगा, यहाँ सिग्मा अपन देखा था, एक फॉर्मूला E इज इक्वल टू समरूप प्रत के लिए मैंने देखा था, चालक और अचालक के लिए दो कंडीशन दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर चालक ही हम लेंगे, यहाँ हमने देखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये वाला फॉर्मूला आपने देखा था, तो यहाँ स्क्वायर में आ गया तो अपना ये हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो लाइक करना और अपने सारे फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना। नेक्स्ट ऐसी क्लासेस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं मॉडल पेपर के बारे में थोड़ा सा जानकारी थोड़ी सी डिस्कस मॉडल पेपर के बारे में कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, इतना ही काफी है, ये अपना जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो चुका है। मॉडल पेपर के बारे में आपको बता दूं, 10 पीसीबी के मॉडल पेपर हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है आपको मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक बायोलॉजी का क्वेश्चंस बैंक और बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। और आज की जो ये क्लास हुई है, आज की क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेंगे आपको, हमारी वेबसाइट स्टडी विद देव, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ हमने अपलोड कर दिए, तो वहां जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ठीक है, उसको पीडीएफ को बिल्कुल डाउनलोड करके और शेयर आप कर सकते हो ठीक है। दोस्तों धन्यवाद, आज क्लास में इतना ही काफी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन के साथ, या कुछ भी क्लास होगी उसमें आपको मुलाकात होगी जल्द ही। धन्यवाद।